जहां तक कि मेरा एनालिसिस है, एक शेडोलेस क्लोजिंग दिया है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, उसी के साथ साथ में ऊपर से रिजेक्शन आ गया है, जो मेरा कंसर्न था बिहाइंड द ट्रेड कि एटलीस्ट एक बार ऊपर जाएगा टुवर्ड्स द मूविंग एवरेज पीरियड फॉर द करेक्शन, ये गया सेम कैंडल पे, इट डिड एक्जैक्टली सेम एंड नीचे आया। 15 सेकंड का हमने ट्रेड लिया था 13.44। सो राइट, इट वाज अ क्रेजी पीपल्स, होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली वेल। हमने यहाँ पे एक $60 का ट्रेड लगा के रखा हुआ है, अपना आज का टारगेट अगेन 10% रहने वाला है, अराउंड $122 के आसपास हमें इस अकाउंट को पुश करना है। मैंने यहाँ पे $7 के इन्वेस्टमेंट के साथ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करके रखा हुआ है, 9 मोर सेकंड्स टू गो एंड देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। रीजन बिहाइंड प्लेसिंग द ट्रेड वाज क्वाइट सिंपल, बार बार एक सिंगल पॉइंट से कंटिन्यूअसली रिजेक्शंस हो रहे थे एंड ऑन द सेम रेफरेंस वी टुक द डाउनसाइड ट्रेड, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर ले जाने में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था जितना कि डाउनसाइड में हमें देखने को मिल रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली ये वाला अपने लिए लॉस गया है। द करंट कैपिटल इज अराउंड $104 नाउ, हमको इसको पुश करना है अराउंड $122। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून इन द एंटायर वीडियो टिल एंड, देखते हैं क्या रहता है बाय द एंड, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, लेट्स सी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, बिफोर स्टार्टिंग द सीरीज, मेक श्योर टू बी पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल में भी हमने मैनेजर कि आप लोगों को बताया था सेम सीरीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं लाइवली इनटू $100 to $1000 वीआईपी ग्रुप, मेक श्योर टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सीरीज एज वेल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज राइट डाउन इनटू कमेंट सेक्शन और एल्स राइट डाउन इट टू मी ऑन टेलीग्राम एट माय यूजर नेम दैट इज इवन गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन, दैट इज @TradeXTerminal। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो $60 का अपना लॉस गया था, पहले तो सबसे पहले तो मैं एक बार लीडर बोर्ड दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो बिल्कुल भी। $60 नेगेटिव, रिफ्रेश मार देता हूं एक बार, लाइव अकाउंट है, $104 का कैपिटल है एंड we have to grow it till $122। So, मेरा प्रीफरेंस ये रहेगा क्यों ना 15 सेकंड्स के साथ मूव ऑन करें। 15 सेकंड्स में आई थिंक वी कैन गेट गुड अपॉर्चुनिटीज, जहां तक मुझे लग रहा है अभी का मार्केट का सिचुएशन एंड सिनेरियो देख के। फॉर द नेक्स्ट 15 सेकंड्स, इससे नेक्स्ट 15 सेकंड्स के लिए आई बी इंटरेस्टेड फॉर गोइंग विद अप। इस करंट 15 सेकंड के लिए हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं क्योंकि मुझे स्टिल रिस्की लग रहा है जरा सा। नीचे आ रहा है वही सिचुएशन है, एक अगर बड़े बार के अंदर तीनों कैंडल्स क्लोज होती है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल एज वेल। रिजेक्शन लिया है, पुश करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जहां तक कि मेरा एनालिसिस है, एक शेडोलेस क्लोजिंग दिया है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, उसी के साथ साथ में ऊपर से रिजेक्शन आ गया है, जो मेरा कंसर्न था बिहाइंड द ट्रेड कि एटलीस्ट एक बार ऊपर जाएगा टुवर्ड्स द मूविंग एवरेज पीरियड फॉर द करेक्शन, ये गया सेम कैंडल पे, इट डिड एक्जैक्टली सेम एंड नीचे आया। 15 सेकंड का हमने ट्रेड लिया था 13.44। दो ट्रेड्स प्लेस किए थे, दोनों के दोनों प्रॉफिट गए हैं $7 के एंड प्रॉफिट इज अराउंड $5 नाउ। $60 हमें अभी और गेन करना है। सो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरी एंट्री, दूसरी अपॉर्चुनिटी कहां पे देखने को मिलती है हमें। देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था स्टार्टिंग में 15 सेकंड के साथ क्यों जा रहे हैं, लॉजिक में आप लोगों को हालांकि बताते हुए चल रहा हूं, बट यू नीड टू मेक श्योर, अगर आप लोगों को डाउट है, आप लोग उतने ज्यादा मतलब स्टेबल नहीं हो पा रहे हो कॉन्फिडेंटली एंड मेंटली स्टेबल नहीं हो पा रहे हो कि हम 15 सेकंड में इतनी परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज एंड परफेक्ट एंट्रीज के साथ ट्रेड्स निकाल सकते हैं, देन मेक श्योर कि आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जो भी ट्रेड आपको लगे कि यस दैट इज सुटेबल फॉर मी, दैट इज प्रीफरेबल फॉर मी, यू कैन गो विद दैट एज वेल। अभी यूरो जीबीपी के पेयर पे क्या हो रहा है, अगर मैं आपको रेक्टेंगल बना के दिखाता हूं, यहां पे गैप वाला स्ट्रेटेजी मैंने आपको अप्लाई करने के लिए बोला था राइट, जब हमने सीरीज वन का मतलब सीरीज का पार्ट वन कंडक्ट किया था। तो एक गैप ये बना हुआ है, इसका एक मैं कॉपी उठा के थोड़ा सा नीचे लगाता हूं, एक गैप अपने पास ये बना हुआ है। अभी अगर हम रेफरेंस में देखते हैं तो यहां पे कोई भी गैप नहीं है कि जिसके रेफरेंस में ये गैप निकल गया हो राइट, ये गैप अभी स्टिल पेंडिंग है यहाँ पे। अब मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे 15 सेकंड के अकॉर्डिंग, एक मिनट इस काइंड ऑफ बड़ा टाइम फ्रेम ठीक है, यहाँ पे अगर एक मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ यहाँ पे देर इज स्टिल गैप, बट यहाँ पे कोई गैप मुझे क्लियरली देखने को नहीं मिल रहा है एंड इवन दो अगर है भी तो नेक्स्ट कैंडल ने उसको टेस्ट किया है। अगर मैं यहाँ से 0.5 लेवल निकालता हूँ फिबोनाची से, वो यहाँ पे आएगा एटलीस्ट अप्रोक्स यहाँ पे आएगा। एक गैप पेंडिंग है, दो गैप पेंडिंग है, मार्केट पूरा नीचे आया, 0.5 लेवल को एरर दे दिया, 1, 2, 3 एरर्स दे दिए। मेरे लिए फायदेमंद चीज ये रहेगी कि मैं एक मिनट को ज्यादा एंटरटेन करूं, उससे भी बड़ी बात यहाँ पे स्टार्ट हुआ था राइट, एक्सेलरेशन इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था एंड ऑलमोस्ट मार्केट इज एट द सेम स्टेट। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करूंगा सबसे पहले, तो दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल पॉइंट ठीक है, एंड यहां से भी ठीक है, क्लियर क्लियर अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे अपसाइड की, बट मैं वेट करूंगा। यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में विक मुझे देखने को मिल रहा है एंड काइंड ऑफ दिस कैंडल जब बनता है ना नेगेटिव साइड में, कि नेगेटिव साइड में यानी कि डाउनफॉल साइड में रेड कैंडल बनता है, उसका टेल नहीं होता, हेड होता है, तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। बट यहाँ पे हम देखते हैं तो इसका कोई भी टेल नहीं है, नीचे की तरफ हेड पूरा का पूरा पेंडिंग है, साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेलर्स एज वेल। एक शॉर्ट डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ एज पर बाइनरी ऑप्शन एज पर ब्रोकर्स, तो मैंने एंट्री को यहाँ पे अवॉइड किया। इनकेस
से कैंडल ग्रीन बनता है तो मोमेंटम है, मोमेंटम के साथ मैं यहाँ पे खेल जाऊंगा, एक ट्रेड लूंगा मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में $7 के साथ एंड वो मेरा फाइनल ट्रेड होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ में मुझे दिख रहा है क्लियरली टारगेट पेंडिंग है, पेंडिंग ऊपर की तरफ में भी, बट मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो यही है कि एटलीस्ट एक बार नीचे आएगा उसके बाद ये ऊपर जाने के लिए पुश कर सकता है, अगर ऊपर जाता है तो उसको हम कवर करेंगे, देयर इज नॉट अ बिग डील, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट ट्रेड पे, बट जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर जो एनालिसिस बोल रहा हूँ मुझे यही बोल रहा है कि पहले हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए अटेम्प्ट लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि स्विंग को इसने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, जरा सा पेंडिंग है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स का साइन दिया है, कहीं ना कहीं अटेम्प्ट ले सकता है नेगेटिव साइड आने का, बाकी अभी देख लेते हैं क्या रहता है। 15 सेकंड्स पे भी एक बार स्विच करके देख लेते हैं, बहुत मुश्किल है, दोनों 15-15 सेकंड के पहले जो दोनों कैंडल्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइक लिया है कि नीचे की तरफ आए, अगर इस मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग देगा तो मार्टिनगेल लगाएंगे एंड अपसाइड में जाएंगे, एंड इनकेस इसके नीचे क्लोज देगा सेम है वहां पे भी मार्टिनगेल लगाएंगे बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे मार्टिनगेल यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल जाएगा। एंड एक और चीज देखते हैं करेक्शन करने के लिए, तो मूविंग एवरेज से रिजेक्शन हुआ था, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फॉल आया था नीचे की डायरेक्शन में जबकि इसको ऊपर जाना चाहिए था, सो यहाँ पे एक एरर पेंडिंग है, दूसरा 0.5 का, ढेर सारे एरर पेंडिंग है। आपके साइड में एंटरटेन करते हैं, जैसे कि मैंने बोला था अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो विद अप, देख लेते क्या रहता है ट्रेड का रिजल्ट। 5 सेकंड में मैं एक और एंट्री एंटरटेन करूंगा एक बार, आई थिंक इफ आई एम राइट यहाँ से मार्केट जरा सा अप जाएगा सेम पॉइंट से रिजेक्शन मार के, हाँ एंट्री पे आया रिजेक्शन लिया एंड ऊपर गया, ठीक है ये एंट्री पॉइंट इसके लिए आई थिंक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर रहा है सॉरी। एंड इफ यू गाइस हैव स्टार्टेड योर ट्रेडिंग योर सीरीज जर्नी विद मी देन मेक श्योर कि आप मुझे बताना कि आपने पर्सनली कि मेरे साथ नहीं कर रहे हो, पर्सनली भी कर रहे हो तो लेट मी गेट अपडेटेड विद इट किस तरीके से कर रहे हो, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, अगर आप कंप्लीट करते हो तो आई विल डेफिनेटली अरेंज अ पॉडकास्ट विद यू एज वेल गाइस, ठीक है। सो ये वाला ट्रेड अपना पॉजिटिव गया, कंडीशनल एंट्री मैंने जो रखा था 5 सेकंड का जो उस डेडिकेटेड पॉइंट से रखा था क्योंकि मुझे पता था वहां से कहीं ना कहीं एक पुश मुझे डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, दैट इज इवन अ विनिंग वन। एंड जो ये एडिशनल एंट्रीज ली थी $5 की 5 सेकंड की ये वाली विन थी, एंड जो अपनी मेन एंट्रीज ली थी हमने मार्टिनगेल वाली वो भी विन गई है। एज पर द एनालिसिस मार्केट रिएक्टेड प्योरली एंड $17 का प्रॉफिट, तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास का टारगेट हमने ग्रैब कर लिया। मैंने आपको बोला था 10-20% मैक्सिमम रखने वाले, 15% इज मोर देन ओके फॉर मी। एंड आज के इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, Day 2 Part 2 एंड द टारगेट इज इवन कंप्लीटेड अगेन, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही कामनेस के साथ। सो आई होप कि मैंने जो बताया वीडियो में वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा सा एरर कॉन्सेप्ट बताया वो भी समझ में आया होगा, स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट बताया एंड गैप कॉन्सेप्ट बताया वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऑफ दिस एंटायर सीरीज, मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड एट अवर यूट्यूब चैनल, मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड इनटू अवर गिवन टेलीग्राम चैनल एज वेल, ठीक है, चलो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, आई लव यू ऑल।